हाँ बेटा, सब लोग एक साथ ही बोलेंगे, अलग अलग नहीं, रुक जाओ थोड़ी देर। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज सारे बच्चे एकदम फ्रेश लग रहे हैं, बढ़ने के लिए एकदम एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हो ना आप लोग। हम क्या पढ़ने वाले हैं? गणित विषय। और मैं कौन सी टीचर हूँ आपकी? मैथ्स की टीचर, संध्या सिंह टीचर। ओके ठीक है बच्चों। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अपना अनम्यूट के उधर किए हो क्या? म्यूट करके रखे हो क्या? देखो मोबाइल में। बाकी बच्चों को आ रही है ना मेरी आवाज? हाँ। अच्छा ठीक है चलो। हाँ देखो, ये बाउल में क्या है? बनाना, केला। बनाना। कितना केला है? कितना केला है? दो। यहाँ पर मेरे हाथ में ये कितने केले? सुनो पहले, मैं जब बोल रही हूँ वो बताओ, ये यहाँ पे कितने केले हैं? दो से अधिक है कि नहीं? अधिक है तो ये केले। हाँ ये केले ज्यादा है कि ये केले ज्यादा है? कौन से केले ज्यादा है? ये जो बाउल में है ये ज्यादा है कि जो मेरे हाथ में है वो ज्यादा है? जो मेरे हाथ में है ये ज्यादा है और ये कम है। ठीक है। अच्छा ठीक है। अब यहाँ देखो, देख रहे हो सब बच्चों? आप लोग को दिखाई दे रहा है? हाँ ये देखो, एक टोकरी में कितने आम बने हैं? दो। और इस टोकरी में कितने आम रखे हुए हैं? चार। दो ज्यादा है कि चार ज्यादा है? चार। मतलब ये कम है और ये अधिक है। ये कम है और ये अधिक है। हाँ ठीक है। अब अब यहाँ देखो, ये रमा है। रमा के हाथ में यहाँ पर कितना फूल है? एक। और यहाँ पर कितना फूल है? तीन। तो कम कौन सा है? ये कम है और ये, हाँ ये देखो यहाँ ऊपर भी लिखा है, ये कम फूल है और ये अधिक फूल है। ठीक है। अब आगे देखो, अधिक। अब देखो ये फिश टैंक है। आपकी कट कट की आवाज आ रही है। मेरे पास नहीं बेटा, दूसरे किसी बच्चे के यहाँ घर से आ रही है। ठीक है। देखो यहाँ पर कितनी मछली है? एक मछली। और यहाँ पर कितनी मछलियाँ हैं? एक दो तीन चार पाँच। पाँच। तो कम कौन सी है? कम मछली कौन सी है और ज्यादा कौन सी है बताओ? एक वाली कम है। एक वाली कम है और जिसमें बहुत सारी दिख रही है, पाँच है चाहे चार हो चाहे एक से अधिक है, तो वो अधिक है। ये कम और ये अधिक। ठीक है। अच्छा अब बताओ ये क्या है? ये आप लोग ये क्या है? ये हमारे, हम इसे अभी हम गिनेंगे। ठीक है चलो। अब हमने पहले बताओ, ये हमने क्या, ये कितनी मणि डाली? एक। अच्छा अब गिनो। दो। एक, दो, दो, एक, दो, दो। अच्छा अब हमने कितनी मणि डाली गिनो? एक, दो, तीन। अब कितनी डाली? हरी वाली कितनी है? तीन है। अब देखो लाल मणि कितनी डाल रही हूँ? एक, दो, तीन, चार। लाल वाली मणि हमने चार डाली। अब वापस से नीली वाली, हाँ कितनी है गिनो? एक, दो, तीन,
चार पांच। ठीक है, अब ये गिनो। एक दो तीन चार पांच छह। ओके, अब येलो वाली गिनो, पीली वाली। एक दो तीन चार पांच छह सात। ठीक है भाई, वापस हरी वाली गिनो, ग्रीन वाली। एक दो तीन चार पांच छह सात और ये आठ। अब लाल वाली गिनो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ। अब ये गिनो, एक दो तीन चार पांच छह सात नौ। तो ये हमने एक से लेकर दस तक गिनती गिनी। तो ये पहले कम है, फिर बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, इस तरह ये क्रम बढ़ते गया। बढ़ते गया कि नहीं बच्चों? बढ़ते गया। हाँ, तो इसे हम कहेंगे चढ़ता क्रम। क्या कहेंगे? क्योंकि देखो पहले एक था, फिर दो हुआ, तीन चार पांच छह सात आठ नौ और दस। तो ये हुआ हमारा बढ़ता क्रम, मतलब कम से अधिक की ओर हम बढ़ गए। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? हाँ, तो अगर मान लो इसी को मैंने उल्टा पढ़ा, पहले बोलो, पहले बोलो दस, बोलो दस, नौ नौ ग्यारह पांच तीन दो एक। तो ये हो गया उतरता क्रम। क्या हो गया? समझ लो ना आप लोग, जैसे कि ये पहले हुआ चढ़ता क्रम, एक में हम एक एक जोड़ते गए, हम आगे बढ़ते गए, जैसे हम सीढ़ी पे चलते वैसे, फिर हम उतरते गए। ये है उतरता क्रम, पहले कम से अधिक की ओर और फिर अधिक से कम की ओर। जैसे हम स्कूल में गिनती गिनते थे ना, पहले सीधी गिनती गिनते थे, फिर हम उल्टी गिनती गिनते थे, है ना? अच्छा चलो अब बताओ ये क्या है। दो दो चार चार पांच पांच छह सात आठ नौ। अच्छा ठीक है, अब बताओ, अब बताओ। नौ नौ दस दस है आठ आठ। हाँ बोलो सेजल, यहाँ देखो सेजल। हाँ अस्मिता, कितना है ये बेटा? आठ। हाँ फिर देखो सात सात चार पांच दो दो और एक। यानी कि हम पहले चढ़ते क्रम की गिनती गिने और फिर हम उतरते क्रम की गिनती गिने। तो आज का हमारा जो घटक है, आज मैं आप लोग को यही पढ़ाने वाली हूँ कि कम अधिक और चढ़ता और उतरता क्रम। ठीक है चलो अब हम अपना पीडीएफ देखेंगे।
बच्चों आप लोगों को अब जो मैं दिखा रही हूँ अब आप लोग फिर मुझे बताना ठीक है। पहले आज की तारीख पढ़ो आप लोग, कितनी तारीख है आज? 21 तारीख। हाँ 2020। वेरी गुड। 21 तारीख, 10वां महीना यानी अक्टूबर महीना और 2020। आज का हमारा सुविचार है कि वक्त की कीमत करो। जैसा कि मैंने कहा था कि हमें अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। लोगों के एग्जाम्स भी आ रहे हैं, ये उसी की तैयारी हो रही है, इसके लिए रिवीजन हो रहा है, तो आपको फिर पढ़ना है। हमारा क्लास पहली है विषय गणित, और जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा घटक क्या है, कम अधिक और चढ़ता और उतरता क्रम। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। ये है यश। कौन है ये? यश। हाँ ये देखो यश क्या कर रहा है। यश के पास इस प्लेट में कितनी लड्डू है? 10, 3, 7, 8 लड्डू। मतलब कि हमें गिनना नहीं है, हमें देख के ही पता चल जाएगा कि ये लड्डू कम है और ये लड्डू क्या है, बताओ? ज्यादा। तो ज्यादा को हम क्या कहेंगे? अधिक। ज्यादा को हम अधिक कहेंगे। तो यश के आजू बाजू में दोनों तरफ दो प्लेट है, जिसमें कि एक प्लेट में कम लड्डू है और एक प्लेट में अधिक लड्डू है। ठीक है, चलो अब देखो। अब यश क्या खा रहा है? जलेबी। अब इस प्लेट में अधिक जलेबी है कि इस प्लेट में? कहाँ है कम जलेबी और कहाँ है अधिक जलेबी, बताओ? कौन बताएगा? मैं। हाँ बताओ। यहाँ पर कम जलेबी है और यहाँ पर अधिक जलेबी है। ठीक है, अब देखो। अब ये देखो, हाँ यहाँ यश क्या कर रहा है? यहाँ पे यश के बाउल में चॉकलेट है, कॉफी, जेम्स चॉकलेट होता है ना। हाँ, तो ये रंग बिरंगी टॉफियां यहाँ अधिक है कि यहाँ अधिक है? इस बाउल में अधिक है। हाँ वेरी गुड। हाँ ये तो अनगिनत है, अभी इसमें तो बहुत सारी हैं, यानी कि अधिक है, और ये तो थोड़े से हैं, इसको हम गिन सकते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे 9 चॉकलेट है, लेकिन यहाँ 9 से अधिक है। तो ये वाला देख रहे हो ना, ये मेरी पेंसिल कहाँ जा रही है? ये कम है और ये अधिक है। समझ रहे? ये क्या है? चॉकलेट। हाँ तो यहाँ पे ये चॉकलेट देखो और यहाँ पर भी चॉकलेट देखो। अब मुझे बताओ कौन सी अधिक है, कौन सी कम? ये कम है, ये कम है और ये अधिक है? नहीं। हाँ ये कम है और ये अधिक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ चलो अब ये देखो, यहाँ पे लड़के सब खड़े हैं, यहाँ पे लड़कों का एक गोला है और यहाँ पे कुछ लड़के खड़े हैं, तो कौन से लड़के अधिक हैं? ये अधिक लड़के खड़े हैं और यहाँ पर कम लड़के खड़े हैं। ठीक है, राइट वाले। हाँ ये क्या है बच्चों? ये क्या है? टॉफी, लॉलीपॉप। हाँ तो ये अधिक लॉलीपॉप कौन से हैं? और कम लॉलीपॉप किधर है? राइट वाले। हाँ ठीक है, अब आप लोग समझ गए ना। अब ये क्या है देखो, आपका फेवरेट डिश क्या है? ये फेवरेट चीज, आइसक्रीम। कहाँ पर? यहाँ पर अधिक आइसक्रीम है, ये अधिक है? लेफ्ट वाला अधिक है। हाँ ये अधिक है और ये कम है, ये अधिक है और ये कम है। उसी तरह यहाँ पे चॉकलेट बने हुए हैं, तो बताइए आप लोग कौन सा चॉकलेट अधिक है? ये क्या है? ये जहाँ मेरी पेंसिल जा रही है ना, आप पहले बताइए कौन सा क्या है, कम है कि अधिक? कम है। कम है और ये? हाँ और ये ज्यादा। अधिक बोलिए, अधिक क्या बोलना है हमें? अधिक। अब यहाँ देखो, ये किताबें ज्यादा है कि कम? कम। और ये किताबें?
अधिक अधिक, तो ज्यादा को हमें क्या कहना है, अधिक। हाँ अब देखो यहाँ पे कितनी सारी पेंसिल है। हाँ ये पेंसिल कब क्या है, ये कम है कि अधिक और ये कम है कि अधिक, बताना है, बताओ। अधिक है ये, अधिक है और ये कम। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब हम चढ़ता उतरता क्रम देखेंगे। देखो ये क्या है, ये हमारा बस, स्कूल बस है। और ये सब बच्चे कहाँ के लिए खड़े हैं, कहाँ चढ़ने के लिए खड़े हैं? बस में। बस में ये सब बच्चे एक एक करके बस में चढ़ जाएंगे। तो ये इनका क्या हुआ, चढ़ता क्रम क्या हुआ, उस फिर अब नीचे देखो, स्कूल आ गया। अब हमें बस में से उतरना है, एक एक करके हम उतरते हैं ना बस में से। तो ये एक एक बच्चा जब नीचे उतर जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, उतरता क्रम। उतरता क्रम, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब आगे देखिए, ये देखो ये अंकल क्या कर रहे हैं, कहाँ चढ़ रहे हैं, सीढ़ी पर। हाँ ये अंकल यहाँ से देखो सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो नीचे ये बच्चा क्या कर रहा है, सीढ़ी पे से उतर रहा है। ये बच्चा सीढ़ी पर से क्या कर रहा है, उतर रहा है। हाँ अब देखो, आप लोग पौधा लगाते हो ना अपने घर के बाहर, हाँ गमले में। जब हम गमले में पौधा लगाते हैं तो पहले पौधा कैसा होता है, एकदम छोटा होता है। हाँ एकदम छोटा, स्मॉल होता है, एकदम छोटा है। देखो देख रहे हो ये गमले में पौधा कितना छोटा है, है ना। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, उसमें हमें क्या देना होता है पौधे को, पानी, मिट्टी, खाद। फिर हमारा पौधा थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर उसके बाद हमारा पौधा क्या हुआ, और बड़ा हुआ, और उसके बाद फिर हमारा पौधा और बड़ा हुआ। तो पहले हमारा पौधा कैसा था, छोटा, और धीरे 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 ये बढ़ते, ये चढ़ते क्रम में बढ़ा। कौन से क्रम में बढ़ा, हाँ जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि जब बच्चा छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर बड़े होके आदमी बन जाता है। तो छोटे से बड़ा होता है, यानी कि चढ़ता क्रम। अब देखो ये हमारे घर में हमारे पापा की हाइट सबसे बड़ी होती है, हमारे पापा लंबे है ना सबसे। पापा के बाद किसकी हाइट है, मम्मी की। पापा के बाद मम्मी लंबी है, और उसके बाद हमारी हाइट है तुम बच्चों की, है ना। आप लोगों की हाइट मम्मी पापा से कम है ना ऊंचाई, आप लोगों की लंबाई मम्मी पापा से अधिक है कि कम है। यस टीचर। हाँ अभी आप लोग छोटे हो तो कम, तो ये हो गया उतरना, बड़ा बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा। हाँ तो ये हो गया उतरता क्रम। देखो यहाँ पे मैंने क्या रखा है, पेंसिल है। अब ये पेंसिल देखो सबसे पहले कैसी पेंसिल है, छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर सबसे बड़ी। तो ये हमारा हुआ, ये तीर देख रहे हो ना या एरो देख रहे हो, ये हमारा है चढ़ता क्रम। कौन सा क्रम है, चढ़ता क्रम, चढ़ता क्रम। अब यहाँ देखो सबसे पहले सबसे बड़ी पेंसिल है, ठीक है, उसके बाद उससे छोटी पेंसिल है, उसके बाद उससे छोटी पेंसिल, उससे छोटी, और फिर सबसे छोटी। तो ये हमारा क्या है, उतरता क्रम। वेरी गुड, ये है हमारा उतरता क्रम। अब आगे देखो, अब हमें ये वर्कशीट हमारी करनी है, कम वस्तुओं के नीचे वाली चौखट में निशान लगाना है। यहाँ पे देखो दो वस्तु है, इसके नीचे हमें निशान लगाना है, ये चौखट बना हुआ है, यहाँ पे हमें निशान लगाना है। बताओ अब प्रश्न क्या पूछा गया है, पढ़ रहे हो आप लोग, कम वस्तुओं के नीचे। तो ये दो घड़ियों का ये बना हुआ है, इसमें कम घड़ी और अधिक घड़ी कहाँ है बताओ, नौ बजने वाला है।
ये वाली कम है, तो इस डब्बे में हम क्या निशान लगाएंगे? राइट का, सही का निशान। इस डब्बे में हम जीरो जीरो बचने वाला है। अब आगे देखो, यहाँ पे क्या बना हुआ है? प्याज। ये प्याज है कि अधिक? अधिक। और यहाँ पे जो प्याज रखे हैं ये क्या है? कम। कम, तो हमें कम वस्तु के नीचे सही का निशान लगाना है, तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। अब आगे देखो ये क्या है? रैबिट, खरगोश है। ये खरगोश कम है, ये खरगोश कम है, ये खरगोश वाला, हाँ, राइट हैंड वाला खरगोश कम है, तो इस डब्बे में, इस चौखट में हम सही का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़िए। क्या बना हुआ है बताइए? छाता। हो गया। यहाँ पर हमें अधिक वस्तु के नीचे क्या ज्यादा है? हाँ, ये अनेक कम है या ज्यादा है? अनेक वस्तु कम है, ये कम है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। एक मिनट बेटा, ऐसे कंटिन्यूस नहीं बोलो, सुनो पहले। अभी हमें अधिक वस्तुओं के नीचे वाली चौखट में सही का निशान लगाना है, तो यहाँ पर क्या है? अधिक वस्तु है, चौखट में हम क्या निशान लगाएंगे? यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे गेंद बना हुआ है, यहाँ पे अधिक गेंद है और यहाँ पर कम गेंद है, तो हमें अधिक वाले चौखट में निशान लगाना है। कहाँ निशान लगाना है बताओ? यहाँ पर अधिक वाले चौखट में। हाँ, अब यहाँ पे देखो, ये तुम्हारे डाइस बने हुए हैं, ये यहाँ पे अधिक है और यहाँ पर कम है, तो नीचे निशान लगाना है? नहीं, राइट है। अधिक के नीचे, किसके नीचे निशान लगाना है? अधिक के नीचे, तो यहाँ हम अधिक के नीचे निशान लगाएंगे। ठीक है, अब देखो इन संख्याओं को चढ़ते क्रम और उतरते क्रम में लिखो। हमें क्या करना है? संख्याओं को चढ़ते और उतरते क्रम में लिखना है। ये क्या लिखा है पढ़ो? दो, तीन, क्या चार है ये? नहीं, एक। एक, तो ऐसे ही कहीं भी देख के पढ़ रहे हो, तो पहले हमें चढ़ते क्रम में अगर लिखना है, ये गिनती को चढ़ते क्रम में लिखना है, तो पहले हम कौन सा नंबर लिखेंगे? एक। एक लिखेंगे, हाँ, हम पहले एक लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? दो। दो, फिर क्या लिखेंगे? तीन। तीन, वेरी गुड। और इसी को अगर उतरते क्रम में हमें लिखना है, तो पहले हम क्या लिखेंगे? दस। तीन, पहले तीन लिखेंगे, फिर दो, और उसके बाद चार, एक, एक, उसके बाद एक, एक। अब आगे देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा है? तो एक, तीन, तीन, पढ़ो, चार, चार, चार। तो चढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कौन सा नंबर लिखेंगे, कौन सा अंक लिखेंगे? सबसे छोटा अंक, सब तीनों में, छह, तीन, चार में सबसे छोटा अंक क्या है? तीन। तीन, तीन। उसके बाद चार। चार, उसके बाद छह। छह, और उतरते क्रम में हमें लिखना है, तो पहले हम क्या लिखेंगे? छे, फिर चार, और उसके बाद तीन। तीन, वेरी गुड। अब देखो अगला प्रश्न, यहाँ पर ये क्या लिखा है पढ़ो? सात। सात, नौ, नौ, आठ। तो चढ़ते क्रम में तो सबसे पहले छोटी संख्या आएगी, तो इन तीनों में छोटी संख्या कौन सी है? सात। सात, सात सबसे छोटी संख्या है इन तीनों में, तो सात आएगा, उसके बाद आठ, आठ, उसके बाद नौ। हाँ, अब उतरते क्रम में हमें लिखना है, तो उसी का हम उल्टा कर देंगे, पहले लिख देंगे नौ, फिर आठ, और उसके बाद सात। देखो अब यहाँ पे देखो क्या है, छोटे से बड़े चित्र के लिए अंक लिखना है, मतलब जो सबसे पहले छोटा चित्र है
उसमें हमें अंक लिखना है। ये आप लोग चित्र देख रहे हो लाइन से, ठीक है? और हाँ, ऊपर डब्बे बने हैं, इसमें हमें लिखना है। तो सबसे छोटा चित्र कौन सा है बताओ? ये है सेकंड, ये वाला सबसे छोटा चित्र है। तो यहाँ हम इस डब्बे में क्या लिखेंगे? सेकंड नहीं, एक। क्या लिखेंगे? एक। उसके बाद उससे बड़ा चित्र कौन सा है? ये है छह। हाँ, तो इस नहीं, इस डब्बे में हम दो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दो। उसके बाद ये चित्र बड़ा है, फिर यहाँ क्या लिखेंगे? तीन। क्या लिखेंगे? तीन। और ये पक्षी सबसे बड़ा है, ये चिड़िया, तो यहाँ हम लिखेंगे चार। चार। हम एक, दो, तीन और चार। तो इस तरह हम छोटे से बड़े चित्र के लिए अंक लिखे। अब आगे देखो, अभी इन इन चित्रों में सबसे छोटा कौन सा है बताओ? लास्ट वाला। ये सबसे छोटा है, तो इस डब्बे में हम क्या लिखेंगे? एक। हाँ, उसके बाद इन तीनों में कौन सा है चित्र बड़ा? इससे बड़ा कौन सा है? बड़ा ये है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? दो। दो। उसके बाद तीन। उससे बड़ा है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? तीन। और ये है सबसे बड़ा, तो यहाँ चार। हाँ, तो इस तरह हमारा क्रम हो जाएगा छोटे से बड़े का। अब आगे देखो, ये क्या है? बैट है। बैट। हाँ, सबसे छोटा बैट कौन सा है? लास्ट। यहाँ हम क्या लिखेंगे? एक। एक। दो। टीचर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कहाँ गए? अच्छा वक्त। हाँ, यहाँ पर देखिए आप लोग, ये सबसे छोटा बैट है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एक। हाँ, ये उससे बड़ा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? दो। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है? इससे थोड़ा सा बड़ा, ये वाला, तो यहाँ लिखेंगे तीन। और ये सबसे बड़ा, तो यहाँ चार। इस तरह ये छोटे से बड़ा हमने किया। अब आगे देखो, अब देखो यहाँ पे, अब हमें बड़े से छोटे चित्र के लिए अंक लिखना है। सबसे पहले सबसे बड़ा चित्र है, उसके डब्बे में हम अंक लिखेंगे और फिर छोटे बढ़ते जाएंगे। तो ये फूल देख रहे हो आप लोग? हाँ। सबसे बड़ा फूल कौन सा है बताओ? पहला सबसे बड़ा है, तो यहाँ इस डब्बे में हम क्या लिखेंगे? एक। एक। सब, अब हमें पहले हमने छोटे से बड़ा किया, अब हमें बड़े से छोटा करना है, ठीक है? तो यहाँ इस डब्बे में हम क्या लिखेंगे? एक। एक। उससे छोटा फूल कौन सा है? दो। ये, तो यहाँ हम दो लिखेंगे। हाँ, उससे छोटा फूल कौन सा है? ये, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? तीन। और ये है सबसे छोटा फूल, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? चार। ठीक है, उसी प्रकार अब एक दूसरा फूल देखो नीचे। इस फूल में सबसे बड़ा हमें याद रखो, हमें छोटे से बड़ा, हम बड़े से छोटा लिख रहे हैं। तो चारों फूल में सबसे बड़ा फूल कौन सा है? ये था। तीसरे नंबर वाला सबसे बड़ा है, तो इसके डब्बे में हम क्या लिखेंगे? एक लिखेंगे। इसके डब्बे में हम क्या लिखेंगे? एक। हाँ, उसके बाद इन तीनों में उससे बड़ा कौन सा है? पहला वाला। तो इस डब्बे में हम क्या लिखेंगे? दो। वेरी गुड, इस डब्बे में हम दो लिखेंगे। उसके बाद ये फूल और इस फूल में बड़ा कौन सा है? ये फूल बड़ा है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? तीन। और इस डब्बे में हम
हम फिर आखिरी में चार लिख देंगे, क्या लिखेंगे? चार। अब देखो यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज बने हुए हैं, तो सबसे बड़ा स्ट्रॉबेरी कौन सा है? ये पहला वाला। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? एक एक एक, एक। हाँ, उसके बाद है ये स्ट्रॉबेरी, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? दो। तो उसके बाद कौन सा है? तीन। तीन, यहाँ पे तीन, और ये है सबसे छोटा, तो यहाँ क्या जाएगा? चार। वेरी गुड। तो ये हो गया छोटे से बड़ा। अब देखो ये आपकी किताब में भी है ना बच्चों, यहाँ पे हमें अधिक बच्चों के नीचे वाली चौखट को रंगना है, यहाँ कुछ लिखना नहीं है, ना सही का निशान लगाना है ना कुछ। अधिक बच्चे इस चौखट में, अधिक बच्चे हैं किस चौखट में? हाँ, पहले वाले चौखट में अधिक बच्चे। तो ये जो डब्बा है, ये जो चौखट बना है, इसमें इसको आपको क्या कर देना है? कलर करना है। क्या करना है? कलर, कलर करना है, रंग देना है। अब उसी प्रकार यहाँ पे भी नाव बनी है और यहाँ पे भी नाव बनी है। और प्रश्न क्या है? पहले प्रश्न पढ़ना ध्यान से। कम नावों के नीचे की चौखट को रंगो। अब कम नाव किसमें है? कौन से डब्बे में कम नाव है? लेफ्ट हैंड, लेफ्ट में। हाँ, ये जहाँ मेरी पेंसिल है इस डब्बे के नीचे, यहाँ इसको हम रंगेंगे। ये प्रश्न है कम नाव। पहला प्रश्न पहले ऊपर था अधिक बच्चे, ये कम है। हाँ, तो आप लोगों को प्रश्न पढ़ना है, अपने मन से नहीं भर देना है। तो यहाँ पे हम कलर करेंगे। अब उसके बाद और आगे देखिए, ये है चिड़िया। प्रश्न क्या है? अधिक पक्षियों के नीचे को रंग, के डब्बों को रंगो। अधिक पक्षी इसमें है कि इसमें? पहले वाले में। हाँ, अधिक पक्षी। तो यहाँ इस चौखट को हम क्या करेंगे? इस डब्बे को हम रंग देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए। अब ये है चढ़ता और उतरता क्रम। तो यहाँ पे क्या लिखा है? क्या है ये बोलो? एक, एक। रमा ने पहले एक डब्बा रखा, तो यहाँ पर क्या लिखा है बोलो? एक, एक। अब यहाँ पे रमा ने दो गुटके रखे हैं, तो यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? दो, दो। अब यहाँ पर रमा ने कितने गुटके रखे? तीन, तीन। तो यहाँ तीन लिखा हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे कितने गुटके हैं गिनो? एक, दो, दो, तीन, चार, चार। चार। तो इस गोले में हम क्या लिखेंगे? चार। अब यहाँ कितने गुटके हैं गिनो? जल्दी जल्दी गिनो। एक, तीन, चार, पांच। पांच। तो इस डब्बे में हम यहाँ गोले में क्या लिखेंगे? पांच। अब यहाँ पे छह के रख, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? सात। अब यहाँ पर है आठ, यानी कि आठ गुटके हैं। अब यहाँ पे खाली है, तो ये गिनो कितने गुटके हैं? एक, एक, दो, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नौ। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लिखना है चढ़ते क्रम में, लिखो। यहाँ पे है सात, चार। हमने एक से नौ तक संख्याएं चढ़ते क्रम में सीखा, वही संख्या उल्टे क्रम में अर्थात उतरते क्रम में सीखेंगे। मतलब यहाँ पे उतरते क्रम में हमें लिखना है। यहाँ देखो प्रश्न लिखा ना, उतरते क्रम में लिखी संख्या देखो, ये क्या लिखा है? सात। सात के बाद क्या आएगा उतरते क्रम में? हाँ, मतलब सात से पहले, सात से पहले क्या होता है? आठ। नहीं, पहले पहले छः। छह से पहले पांच। पांच, पांच से पहले चार। चार, और चार से पहले तीन। तीन। अब चढ़ते क्रम में लिखो, ये हमने उतरते क्रम में लिखा, अब चढ़ते क्रम में लिखना है। तो पांच के आगे वाली संख्या, पांच के आगे कौन सी संख्या होती है?
छः छः के बाद सात 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 के बाद आठ आठ के बाद नौ नौ वेरी गुड। अब फिर उतरते क्रम में हमें लिखना है तो यहाँ पे देखो सबसे पहले नौ लिखा हुआ है तो नौ के बाद हम क्या लिखेंगे दस दस नहीं नहीं उतरते क्रम में लिखना है नौ के पहले क्या आएगा आठ आठ उसके पहले सात छः और पांच आप लोग समझ गए ना तो इस तरह से ये आपकी किताब का पन्ना है जिसको आप लोगों को भरना है और करना है ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो दिखा रही हूँ। हाँ आप लोगों को मैंने पिछले बार भी बताया था ना तो आप लोग ये वीडियो देखिए ऐसा ना सभी बच्चे देख रहे हैं ना गिनती का ये हमारा एक वीडियो है अभी हम इसे देखेंगे। Grammarly helps make your writing clear and concise, no matter where you are. Compose a cover letter.
जा रही है, मोबाइल चला रही, दिया बंद कर।